नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौजूद वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। नजर गुना सीट पर भी रहने वाली है क्योंकि यहां राजा और महाराज की टक्कर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात इसी पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कई प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है बीजेपी, तो कांग्रेस 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिए हैं। इस बार दिग्गज नेताओं के सामने दिग्गज नेता होंगे। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान इसके संकेत दिए थे, जिसके बाद चर्चा है कि गुना से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह ठोक सकते हैं ताक। मुकाबला हो सकता है राजा वर्सेस महाराज। उधर गुना से चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि पार्टी जहां से टिकट देगी वहां चुनाव लड़ा जाएगा। मुकाबला तगड़ा होगा। राजा महाराजा 1947 की बात बचे ही नहीं कोई। मेरी तैयारी पूरे सब जगह रहती है हमेशा। पार्टी तय करेगी। राजा महाराजाओं का जमाना चला गया है, लेकिन सवाल बने हुए हैं कि अगर मुकाबला राजा वर्सेस महाराज का होता है तो फिर क्या होता है। इसके अलावा आज कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मध्यप्रदेश की महाडिबेट के कौन से सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द महाडिबेट रहेगी, आइए देखते हैं। पहला सवाल है राजा वर्सेस महाराज, जनता किसके साथ, इस पर हम बात करेंगे। और सवाल दूसरा क्या है, चुनावी मुकाबला नहीं वर्चस्व की लड़ाई है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल है गुना की जंग, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये हम टटोलने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर आर के शुक्ला जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मिथुन अहिरवार वो भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं बीजेपी प्रवक्ता वो भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में सौरभ दुबे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वो आपको दिखाई देंगे टीवी स्क्रीन पर, साथ ही इस पैनल में शामिल भी रहेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा डॉक्टर वाजपेयी आपसे रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने आज एक ट्वीट किया है, मैं वो दर्शाती हूं कि वो मैं पोस्ट पढ़कर सुना दूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी तरफ से ये पोस्ट देखने को मिला है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा हेतु प्रत्याशी पहली सूची में दिए हैं जो 1 लाख से हारने वाले हैं। अब बस 2 और 3 लाख से हारने वाली सीटें बची हैं, सर एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल, पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, और हम सभी जानते हैं कि भाई नकुलनाथ जी का तो डिक्लेयर्ड ही था लगभग, और हाँ देवास से हमको लगता था कि कोई सन ऑफ द सॉइल आएगा, पर वहाँ से भी स्वर्गीय राधा किशन मालवीय जी के सुपुत्र को राजन मालवीय जी, जो पहले भी कई बार हार चुके हैं, उन्हीं को अवसर मिला है। और भी सब आप इसकी यदि समीक्षा करेंगे तो आप मानकर चलिए कि ये 10 की 10 सीटें, क्योंकि मैं सोच रहा था ये 10 ही क्यों 29 में से, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये इनमें इनको बहुत प्रत्याशियों का कोई इनके पास स्कोप नहीं था, टाइट सीटें थी। और यदि अपन देखें तो लगभग जो मेरा आकलन है, स्वाभाविक है कि मेरा निजी आकलन है इतने वर्षों से देखने का, तो ये 1 लाख तक का हम मान के चल सकते हैं कि इसमें हार जीत का अंतर के साथ में कांग्रेस ने इसको कमज़ोर स्थिति में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। और इसके बाद की तो जैसे इंदौर की सीट है, भोपाल की सीटें हैं, ये सब तो हमारी बहुत श्योर सीटें हैं, जिस जो 3-3, 3.5 लाख, 2 लाख इनसे हम लोग जीतते आए हैं। और अगर गुना से चुनाव भी उठाकर देखेंगे, गुना से दिग्विजय सिंह को उतारती है अगली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी, तो देखिए गुना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दिग्विजय सिंह की पूरी राजनीति इस पर टिकी है कि वे अपने सुपुत्र श्री जयवर्धन सिंह जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का मैं जैसे पहले से कहता आया हूँ कि आखिरी चुनाव का ये दौर है, स्वाभाविक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि जयवर्धन जी को दांव पर लगाया जाए।
क्योंकि हारना तो है ही, तो या तो प्रेमव्रत जी का नाम आगे करेंगे या जब कोई नहीं मानेगा तो स्वाभाविक है कि स्वयं वो इस आघात को अपने ऊपर लेने का प्रयास करेंगे। तो गुना विल बी ए इंटरेस्टिंग टर्न। यदि हम कांग्रेस की टिकट को देखें तो ये बात आपका कहना ठीक है कि उसको देख कर हमको समझ में आएगा कि हाईकमान दिग्विजय सिंह जी को कैसे लेता है। ठीक है, मिथुन आई बार भी जुड़े हुए। मिथुन जी, देख रहे हैं आप कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी प्रवक्ता का, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे खुशी है, हम लोग जिस बात को हमेशा से कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में लोकसभा में है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसको मानते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का तो 58% पिछले बार वोट था लोकसभा चुनाव में। उदाहरण के लिए देख लें तो जो हमारी भिंड की सीट है वहां 2 लाख से हम लोग आ रहे थे, तो उसको आज भारतीय जनता पार्टी यदि 1 लाख की विक्ट्री वो मान रही है तो मतलब भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि उनका परफॉर्मेंस डाउन होने वाला है। खैर, ये तो कहने की बात है, भाजपा जी तो प्रवक्ता हैं तो वो ये तो नहीं मानेंगे कि भाजपा हार रही है, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया कि भाजपा को जितने बार वोट पिछले बार मिले थे उससे कम मिलने वाले हैं, जो इनका जीत का मार्जिन रहा था उससे कम होने वाला। तो हमें खुशी है कि हमारे दमदार प्रत्याशियों को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही प्रत्याशियों के जीत के मार्जिन को कम करके बताना शुरू किया, पहली बार। दूसरी बात यह कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने डबल ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही थी, उस भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी के बाद यहां हम भिंड के साथ साथ आपने जो जिस लोकसभा चुनाव का जिक्र किया गुना, तो गुना का गुनहगार कौन है? क्योंकि गुना के जो आपके सांसद हैं वो तो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ पत्र लिखते रहे, और गुना के आपके सांसद की कौन कौन सी ऐसी नाकामियां हैं जिसकी वजह से आपने उनका टिकट काटा, इस बात को जनता को आपको बताना चाहिए कि कौन कौन सी मोदी जी की गारंटी, कौन कौन से शिवराज जी के वादे, कौन कौन से आपके जो मोहन यादव जी के काम है वो गुना की जनता तक नहीं पहुंचा पाए जिसके कारण आपको उनका टिकट काटना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोहन यादव जी की सरकार में, शिवराज सिंह जी और मोदी जी ने मिलकर के कुछ वादे किए थे कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य साहब उसको 2700 किया जाएगा, जो धान का है उसको 3100 किया जाएगा, सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा, 3000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। तो ये सब वादे हवा में कहां उड़ गए, इस बात का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। और हमने जो प्रत्याशी दिए सबसे मजबूत, ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने लगातार केंद्र की सरकार के खिलाफ, लगातार राज्य की सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई है, और ये बात देख करके अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के पैर कांपने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी थरथर कांप रही है प्रत्याशी को देखकर, और अपनी ही जीत का मार्जिन ये पिछली बार से अब कम करके बताने लगे हैं। ये बात देख करके कांग्रेस पार्टी को खुशी, हमने सही चयन किया। थरथर कांप रही है बीजेपी, ठीक है। मिथुन जी, मैं शुरू जब से आप चर्चा में जुड़ते रहे, मैं लगातार कहते रहे कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है आप, मजबूती के साथ अपनी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं, बताओ प्रवक्ता अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, लेकिन ये बता दीजिए, महिलाओं के हक की बात तो की जाती है, लेकिन इस पहली लिस्ट में महिलाओं को उनका हक मिलता हो दिखाई नहीं दिया। देखिए, महिलाओं के लिए हमारा बिल्कुल जो परसेंटेज का आग्रह है, पिछली हम आप लिस्ट उठा करके देखें विधानसभा चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं को हमने पिछले बार भी टिकट दिया था और इस बार भी प्रयास वही है। तो पूरे 29 नाम घोषित कर देने दीजिए, 28 नाम कांग्रेस पार्टी के, 1 नाम समाजवादी पार्टी का, दोनों जो इंडिया अलायंस के पार्टनर से मिलकर के जब आपको नाम देंगे तो न केवल वो महिलाएं जो महिलाओं के लिए मुखरता से आवाज उठाती हैं, बल्कि ऐसी महिलाएं जिनको जरूरत पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के पुरुष उम्मीदवारों पर भी वो नहले पे दहला साबित हो, ऐसी महिलाओं को हम इसमें काम मौका देंगे। आपने देखा होगा महिलाओं की क्या हालत कर दी, आप ही के पैकेज के पहले बताया जा रहा था कि इमरती देवी जी ने ये बयान दिया है कि साहब जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में थी जीतती रहती, कांग्रेस में थी जीतती रहती थी, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हारने लग गई हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जाता है जिन्होंने महंगाई के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, जिन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ कोई बात नहीं की, जिन्होंने महिला अत्याचार को लेकर के कोई बात नहीं की, ऐसी महिलाएं जो केवल मौन बनी रही हैं, महिलाओं पर होते हुए अत्याचार को सहती रहे, ऐसी महिलाओं के बजाय ऐसी महिलाएं लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, उनको मौका देने परसेंटेज भागीदारी मिलती है। वाजपेयी जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक और मेहमान, दो मेहमान जुड़े हुए लगातार, उनको भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला, जो आज कांग्रेस के 10 नाम आए हैं पहली लिस्ट में, मिथुन अहिरवार कह रहे हैं कि थरथर कांप रही है बीजेपी उन उम्मीदवारों को देखकर, जबकि बीजेपी कह रही है कि वो कहीं भी मुकाबले में खड़े ही नहीं होते, आपने किस तरह से एनालाइज किया है? देखिए, यदि हम हमारे प्रदेश की पिछली 20 से 25 साल की राजनीति को ध्यान में रखें,
तो कांग्रेस पार्टी ने नए नेतृत्व को उठने ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में चार पांच चेहरे ऐसे हैं जो 2000 या 2000 पहले से लेके आज तक मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो चूंकि जब नेतृत्व में ही बदलाव नहीं होगा और नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान तो निश्चित रूप से पार्टी को होगा। अब रहा सवाल कि आज जो इन्हें 10 प्रत्याशी उतारे गए हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि इन्हें स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए जो है ना विपक्ष का होना अनिवार्य है और इनमें से कुछ लोग विजय प्राप्त करके लोकसभा में जाएं ताकि हमारी प्रदेश की जो एक विरोध नहीं, लेकिन आपको कितने नाम इसमें ऐसे लग रहे हैं, कितनी संख्या में कि जो आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि टफ फाइट दे सकते हैं बीजेपी को? यदि प्रदेश की जो है ना जनता का जनमानस को देखा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अभी कमजोर पोजीशन में है। भाजपा ने एक नैरेटिव भी सेट किया है, वो उन्होंने जो कुछ गारंटियां दी थी उन पर भी काम किया है और पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ तो रही है, फाइट हो ऐसा हम भी चाहते हैं। नहीं, नहीं, लेकिन इन दस नामों में से कोई आपको लग रहा है नहीं लग रहा है? फूल सिंह बरैया है, ओमकार मरकाम है, कोई आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मैं पूछ रही हूँ। मैं कोई जो है ना भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, राजनीतिक एनालिसिस होने के एनालिस्ट होने के नाते ये कर सकता हूँ कि हाँ फाइट हो सकती है, लेकिन सीधी 19-20 की भी रहे तो भी प्रदेश के लिए उचित रहेगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर नाम पे इन्हें डिक्लेरेशन करना तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी। ठीक है, तो फूल सिंह बरैया जो जिनका नाम सामने आया है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी जुड़ गए हमारे साथ। फूल सिंह बरैया जी स्वागत है आपका, शुभकामनाएं आपको कि आपकी पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया है। हितेश वाजपेयी जी का ट्वीट मैंने पढ़कर सुनाया था पहला पोस्ट, कि वो कह रहे हैं कि पहली लिस्ट में तो ऐसे नाम है जो 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हारे हैं, कहीं भी बीजेपी तो मिथुन जी ने करेक्ट किया, उसको 2,00,000 कर दिया। तो बीजेपी अब जो है कि वो लगातार, और आपने कहा कि आपका मार्जिन कम होगा, अरे रुक जाइए महाराज, आप दोनों जी 2,00,000 से हारेंगे आपने कहा, ठीक है रुक जाइए। पिछली बार भिंड सीट में 2,00,000 के वोटों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हार मिली थी। फूल सिंह बरैया जी, इस बार कितनी टफ फाइट देने वाले हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना करके एक विश्वास जताया है, इस विश्वास को मैं इस चुनाव में साबित करूंगा कि जो भिंड का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का जो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लायक नहीं बची है, तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे करना भी बहुत मुश्किल पड़ेगा, उसको पीछे भी नहीं रह पाएगी। कांग्रेस पार्टी भारी मतों से सीट को जीत करके दिखाएगी और मैं अपना विश्वास को बढ़ा करके कांग्रेस को दूंगा। पूरे आशान्वित हैं आप, पॉजिटिव हैं टोटली? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सौरभ दुबे जी, मौजूदा समीकरण के मद्देनजर उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस की, और जो सियासी समीकरण और जो प्रवक्ताओं का आत्मविश्वास है, क्या कह रहा है? देखिए, प्रवक्ताओं का आत्मविश्वास अपनी अपनी पार्टियों के लिए तो हमेशा जो है उनका दायित्व है कि चैनल पर बैठ करके अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करें, उनके कैंडिडेट जो है वो निराश ना हो, अच्छे तरीके से चुनाव में जाएं और लड़ें, तो ये हर एक प्रवक्ता का काम होता है। देखिए, भारत की राजनीति में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक या तो चुनाव आप जीतते हैं तो बहुत ही आपकी जो रणनीति है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, या फिर दूसरी चीज़ होती है चेहरा। जिस प्रकार से बहुत कुछ वर्ष पहले हमने देखा था इंदिरा गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, तो इंदिरा गांधी जी उस समय कांग्रेस की बहुत मजबूत चेहरा थी, जिनके नाम पर लोग जीत करके आते थे, उस समय रणनीति काम नहीं करती थी, उस समय चेहरा काम करता था। उसके बाद हमने देखा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, वहां पर बहुत अच्छा कार्य हुआ, इतने सारे गठबंधन, बड़ा गठबंधन बना करके सरकार जो है 4.5 साल तक चली, और उसके अंदर बहुत सारे जो नदियों से नदी जोड़ो, गांव से गांव, बड़ी बहुत सारी परियोजनाएं आई थी, जिससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से अगला चुनाव जीत जाएगी। लेकिन वहां पर कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक रणनीति बनाई थी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वो रणनीति उनकी कामयाब रही और वापस वो सत्ता में उनकी वापसी हो गई। अब आप आ जाइए 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था,
तब 2014 में उन्होंने एक रणनीति बनाई और रणनीति वो पिछले एक साल से ही, चाहे अन्ना आंदोलन को ले लीजिए, उसके बाद कई प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में लेकर के सरकार को घेरना जो है, कोयला घोटाले से लेकर के तमाम तरह के घोटाले जो है, 2G3G घोटाला, और उस रणनीति वो भी कारगर हुई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुन करके आई जो है, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री वो बने। लेकिन उसके बाद से लगातार जो चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिनकी लोकप्रियता बोलती है बढ़ चढ़ करके, देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी बोलती है, तो उनकी लोकप्रियता को उनके साथी जो गठबंधन में लोग हैं एनडीए वाले, उनको भी उस पार्टियों उन पार्टियों को भी उसका फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में वो रणनीति जो है वो पूरी की पूरी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है, उनका चेहरा, जिसके आधार पर अभी पिछला मध्य प्रदेश का जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस के लोग या अन्य पार्टियां कह रही थी कि आप बताइए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, उन्होंने कहा कमल का निशान है, कमल के निशान पर लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा चुनाव को भी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीत करके आई, जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। और अब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, स्पष्ट रूप से है। तो आज आपको यह समझना पड़ेगा अन्य पार्टियों के लोगों को कि क्या उनके समान कोई चेहरा आपके पास ऐसा है जो जिसके आधार पर आप जनता को कन्विंस कर सके, जिसके आधार पर आपके प्रत्याशी, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे ज्योतिराव सिंधिया हो, भाई ज्योतिराव सिंधिया जी के पास तो बहुत बड़ा आधार है। राहुल गांधी चेहरा नहीं है क्या? नहीं, राहुल गांधी जी चेहरा नहीं है ना, आप ये देखिए इंडिया अलायंस में क्या चेहरा बनाया उनको, अगर बना देते तो अच्छी बात रहती, मैं तो मानता हूँ राहुल गांधी जी को नेतृत्व देना चाहिए था इंडिया अलायंस में। लेकिन जब नीतीश कुमार जी का नाम आया, नीतीश कुमार जी को साइड किया गया, उसके बाद ममता बनर्जी जी का नाम आया, ममता बनर्जी जी को भी साइड किया गया, अभी तक इंडिया अलायंस के पास कोई चेहरा नहीं है जिनके नेतृत्व में लोग चुनाव लड़े। अलग अलग पार्टियों के चेहरे हैं, चेहरे की लड़ाई है, जहां एक तरफ मोदी की गारंटी को लेकर ये बीजेपी की पूरी वेव की बात कही जा रही है, विधानसभा चुनाव में ये अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आए हैं, तो ऐसे में आपके अलायंस के पास कोई चेहरा ना होना क्या ये आपके फायदे में रहेगा या नुकसान में? क्यों नहीं आपके पास चेहरा? जी मुझसे पूछे? जी जी मिथुन जी, आप पूछ रही हैं पढ़ना जी? जी जी देखिए हमारे पास चेहरा, मैं बताता हूं हमारा चेहरा कौन है। हमारा चेहरा वो दलित है जिसको नंगा करके मध्य प्रदेश के थानों में मध्य प्रदेश की पुलिस मार रही है। हमारा चेहरा वो आदिवासी है जिसको घसीट करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको मौत के घाट उतार रहे हैं। हमारा चेहरा वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खा गई। हमारा चेहरा वो महिलाएं हैं जिनके साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हमारा चेहरा वो कर्मचारी हैं जिनका डीए भारतीय जनता पार्टी खा गई, जिन्होंने 199 सीटों पर हमें वोट दिया। हमारा चेहरा वो बेरोजगार हैं जिनको कि इन्होंने वादे तो 2 करोड़ रोजगार के दिए थे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, आज 2 करोड़ की दर से हर साल रोजगार ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। हमारा चेहरा तो वो दलित आदिवासी पिछड़े सामान्य वर्ग के गरीब हैं जिनको लगातार छला गया। मैं काफी और जगह बात कर मिथुन जी की आवाज, जिसको यदि डिलीवरी के लिए जाना होता है तो इसको ये एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाते हैं। जी आवाज पहुंच रही है? नहीं नहीं, हाँ बोलते रहिए बोलते रहिए। हमारा चेहरा देश का हर वो नागरिक है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफ किया। और ये जो आप चला रहे राजा वर्सेस महाराज नहीं, जनता वर्सेस भाजपा, जनता वर्सेस मोदी, मोदी जी का वो दागदार चेहरा जिसके सामने इस देश के नागरिकों का चमकता हुआ चेहरा सामने है। इस देश के नागरिक आने वाले चुनाव में मोदी जी को ऐसा करारा जवाब देंगे तो वो भी याद रखेंगे कि ये देश जुमलों से नहीं चलता, ये देश असल काम से चलता है। वो काम नहीं कर पाए हमारे साथ हमारे जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं, इनका काम हमने जवाब लेते हैं। वाजपेयी जी, जब ये दहाड़ वाजपेयी जी तमाम मुद्दों पर बीजेपी की सरकार को सही बता दे, कांग्रेस के वक्ता नहीं है जो जीत सके। देखिए आपका मूल सवाल था कि आप किस व्यक्ति को सामने रखेंगे, तो अब उसका जवाब नहीं है तो क्या करें, तो उसमें चिल्लाना पड़ता ही है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, 4 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, एक कोई आप स्कीम कोई चीज़ बताइए जो ये कह सकें कि इन 4 राज्यों में हमने बहुत अच्छे से की है, वो भी नहीं बता पाएंगे। बहरहाल 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस बहुत इंपॉर्टेंट शो में निकल के आई। नंबर 1, उन्होंने
फूल सिंह भरैया जी को आपने बताया तो कांग्रेस ने कंफर्म किया कि ये 2 लाख से हारेंगे। साहब आपका ट्वीट गलत है, 1 लाख से नहीं हारेंगे, तो ये अच्छी बात है। आई स्टैंड माय सेल्फ करेक्टेड। मैंने तो कहा ये जीत लेंगे। ये वो प्रत्याशी है जिन्होंने खुद संकल्प किया था कि 2 लाख से हारे थे, विधानसभा में 4 लाख से हारे थे, तो ये राजभवन के सामने कोई काला रंग अपने वो तो ये काम किसने किया पता है अपर्णा जी आपको जी। स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने उनका ये संकल्प पूरा कराया। आप सोचिए बहुत ऐसा होता नहीं है। स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने आकर इनको तिलक किया और वो रंग इनके चेहरे पर सुशोभित किया। तो आप समझिए ये लोग बहुत उलझे हुए हैं। फूल सिंह भरैया जी को वादा निभाना कहते हैं, है भिंड में वो बेहद एंटी ब्राह्मण और जातिवाद से भरपूर है, गारंटी अपनी निभाएं, बहुत भरपूर है मैं आपको बता दूं। और इसी वजह से वो लगातार हारते हैं, वे बेहद हिंसक जातिवादी नेता कहलाते हैं भिंड में। तो स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार के प्रत्याशियों को आप रखेंगे जो जातिवाद का जहर घोलते हैं अंचल में, तो कहां से कांग्रेस जीत जाएगी। तो ये बात सही कही मिथुन भाई ने कि ये 2 लाख से कहो अधिक से हारे, तो मैं तो इस बात को कह रहा हूँ। इनकी यूएसपी क्या है आप टाइप करिए फूल सिंह भरैया, आप इनके बयानों को सुनिए, क्या ये शुभंकर है वहां के, ये इनका चेहरा है। तो यदि आप इस प्रकार के चेहरे को जनता के बीच लेकर जाएंगे तो किन चीजों की गारंटी होगी। इनकी 2 अप्रैल जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी, क्लियर नहीं हो पा रही, नहीं बोल पाए, बोले तो दीजिए। 2 अप्रैल जैसी घटनाएं जो ग्वालियर आज तक नहीं भूला है, जहां पर सवर्णों के मोहल्ले इन लोगों ने जाकर जला दिए, वो कोई नहीं भूलेगा। तो ये इस बात की गारंटी को सुनिश्चित करते हैं कि जातिवाद कितना हावी है, कि इनके पास कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं है कि जो भाई इस प्रकार के बयान नहीं देता हो, जो हिंसक नहीं हो, हिंसक राजनीति को निकाल कर लाए। एग्जैक्टली इनका पूरा इतिहास ऐसे बयानों से भरा हुआ है, ऐसी गतिविधियों से भरा हुआ है। ही इज इनफेमस फॉर दैट। आज ये है कि चंबल के अंचलों से समस्त अराजकता समाप्त हो गई है, ये जो जातिवादी हिंसा के प्रतीक है केवल ये रह गए हैं। और मुझे लगता है कि ये भी लगातार वहाँ की जनता को परास्त करेगी, क्योंकि जनता को सड़कें चाहिए, जनता को स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी सड़कें चाहिए, जनता को वहाँ पर रोजगार चाहिए है। और हम उस मुद्दे के बारे में सुन लीजिए, आप उन्हीं पर काउंटर कर सकते हैं ना उनको, जनता का अपमान मत करें, वो सड़क की बात कर रहे हैं, वो काउंटर कीजिए फिर रुक जाइए। एग्जैक्टली चंबल से लेके बुंदेलखंड, वहां लोगों को घर पर नल जल का पानी चाहिए, और आज भी 3 से 4 लाख घरों में प्रति माह पानी पहुंच रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है, नहीं लेकिन अच्छी है। मिल चुकी बात पे जी, एक और सवाल से पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गुना को लेकर। अगर गुना को लेकर जो सवाल मिथुन अहिवार ने उठाया यहाँ पर कि आपने क्यों अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में आपने उतार दिए हैं बीजेपी ने, तो अगर कांग्रेस दिग्विजय सिंह को उतारती है तो क्या कितना मुकाबला कठिन हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए गुना आप मानकर चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए केक वॉक की तरह है, सभी सीटें हमारे लिए तो कोई इतनी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। हमें तो देखना यह है कि उनके इनहाउस कॉम्बैट कैसी निकल कर आती है, दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन जी या प्रियव्रत जी। तो दिग्विजय सिंह जी क्या अपने बेटे को लड़ने से बचा पाते हैं ऐसी समय में जब अपर्णा जी कांग्रेस ध्वस्त है। तो यदि कांग्रेस से मांग आती है, जीतू पटवारी जी ये कहते हैं भाई ऐसे समय में कम से कम जयवर्धन जी को लड़ने तो दो, तो भले ही हार जाएं वो, तो मुझे लगता है इस समय कांग्रेस को बचाने के लिए क्या जयवर्धन सिंह जी को कुर्बान करने के लिए दिग्विजय सिंह तैयार होंगे, बहुत बड़ा विषय है। ठीक है सर जी मिथुन, देखिए सबसे पहली बात तो अपर्णा जी कि जैसे आज जो हमने 10 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उसमें देवास जैसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 4.25 लाख वोटों से जीती थी, तो टिकट घोषित करते हुए भाजपा ने मान लिया कि अब वह मार्जिन 1 लाख की रहेगी, और जैसे चुनाव आएंगे ये भी मान लेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली। पहली बात, दूसरी बात अपर्णा जी, यदि इनसे पूछा जाता 4 लाख ये बता दीजिए ना आप, ये वो तो कह रहे कि केक वॉक है गुना उनके लिए, आप बता दीजिए केक वॉक कितना है एमपी आपके लिए।
मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, ये नहीं पूछ रहा कि मार्जिन कम समय विषय पर। समय माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की मारपीट के लिए समय इतना ही था मेरे पास। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए। तो जो फाइट है वो और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिस चुनाव नजदीक आते रहेंगे ये मुकाबला और रोमांचक होता जाएगा। जुड़े रहिए।